उसको कैसे मिक्स किया हूँ ये भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए प्ले करते हैं सॉन्ग को, टोटल इफेक्ट जो लगा हुआ है, ठीक है। और प्ले कर रहे हैं सॉन्ग को, फ्रेंड्स से वाला है, सॉरी ये वाला मेरा है जिसमें मैं वेबटून यूज़ करता हूँ। इसमें मैं पिच करेक्शन कर लेता हूँ इसीलिए मैं वेबटून यूज़ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए पहले आपको मैं अपना वोकल सुना देता हूँ, ट्रैक के साथ एक बार सुनाऊँगा एक बार ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। पूछे ले छोटकी मम्मी पापा कब आई, हमारा के नया नया कपड़ा कब ले गई। तो आप सुन रहे हैं कि वोकल भी आप सुन लिए, एक बार और सुन लीजिए। पूछे ले छोटकी मम्मी पापा कब आई, हमारा के नया नया कपड़ा कब ले गई। तो फ्रेंड्स यही था मेरा मिक्स जो किया है, वोकल है रोड एंड टू पे हुआ है, रोड के माइक पे, और बहुत बढ़िया हुआ है। और चलिए इसको अपना हम जो ट्रैक है क्राउ को उसे बंद करके आपको सुनाते हैं वोकल सिर्फ। हाँ पूछ ले छोटकी मम्मी पापा कब आई, हमारा के नया नया कपड़ा कब ले गई। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि वोकल बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और इसमें जो इफेक्ट लगा रखे हैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं वेबटून लगाया हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पिच करेक्शन कर सकते हैं, हमारे आवाज़ है जो हमारे गायक हैं गुड्डू जी उनका आवाज़ है, इसमें पिच करेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई गायक है उसका आवाज़ कहीं लग रही है सॉन्ग, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं मल्टीबैंड कंप्रेसर यूज किया हूँ और डीएजर लगाया हूँ, क्योंकि जो उनकी सॉन्ग थी वो तो हाई एंड तक क्लियरिटी थी, लेकिन मैं इसलिए लगाया हूँ कि जहाँ पर ये हमारे सॉन्ग में हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, किसी सॉन्ग में ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी तक जब गाते हैं कोई गायक, तो इसे वो कंट्रोल करता है। ये डीएजर मैं लगा रखा हूँ। उसके बाद इसमें डीले मैं यूज कर दिया हूँ, मोनो डीले है। और ये रहा मेरा CLA, बहुत बढ़िया प्लगइन है वेब का। और फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ये डीएजर बहुत ही अच्छा से वर्क करता है, ठीक है। चला के आपको दिखाते हैं क्या अंतर आती है। पूछ ले छोटकी मम्मी, अब गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे कि डीएजर मैं अपना ओपन कर देता हूँ, ठीक है, इससे मैं कट कर दूँगा। ये रहा मेरा डीएजर और मैं सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि डीएजर से क्या फायदे हैं। देखिए मेरा डीएजर गायब हो गया है, डीएजर अपना ओपन कर लेता हूँ। डीएजर के फायदे क्या है नुकसान क्या है अभी मैं बताऊँ, समय प्ले करता हूँ सॉन्ग को। पूछ ले छोटकी मम्मी, जहाँ पर इनका आवाज़ ज़्यादा हिट कर रहा है यहाँ आप देख रहे हैं, और इसे मैं सेट कर दिया हूँ कि जहाँ पर भी इनका आवाज़ हाई फ्रिक्वेंसी हो, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पर भी इसमें हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगा वहाँ है, उस फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर लेगा, उसी के हिसाब से मैनेज करेगा जिस हिसाब से सॉन्ग है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं बैंड पास लगा रखा हूँ, क्योंकि जहाँ हाई हो गए कंट्रोल करता है फ्रिक्वेंसी, देख रहे हैं आप इसका,
उसके बाद जो मैं लगाया हूँ इसमें दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा बेस्ट प्लगइन है वेब का, मेरा सीले लगा रखा हूँ, देख सकते हैं बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही बेस्ट। हाँ ये सब का जो है बहुत अच्छा तरीका से वर्क करता है वेब प्लगइन, अगर आपको मालूम है तो इसके बारे में। हाँ पूछ ले छोटकी मम्मी। और भी सारे प्लगइन्स हैं जो कि मैं यूज़ नहीं किया हूँ, इधर मैं इफेक्ट लगाया हूँ आप देख सकते हैं, रूम वर्क, और रूम वर्क SE दोनों को लगा रखे हैं और इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, अब देख सकते हैं। और वोकल एक बार और चला देते हैं आपको ट्रैक के साथ और एक्सपोर्ट करके आपको सुना देंगे। पूछ ले छोटकी मम्मी पापा कब आएं, हमारा के नया नया कपड़ा कब ले आएं। तो फ्रेंड्स इस सॉन्ग को मैं सबसे पहले मैं इसे तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए एक्सपोर्ट करने के लिए आना है, आप सबको तो मालूम है। और यहाँ मैं सॉन्ग का नाम अपना ही दे दिया हूँ, कोई बात नहीं। और लोकेशन मैं चूज़ कर दिया हूँ डेस्कटॉप, और जो आप देख रहे हैं 44 किलोहर्ट्ज़ और 48 किलोहर्ट्ज़, इन सब का आपको ख्याल रखना है। ज़्यादातर 44 किलोहर्ट्ज़ पे लोग करते हैं, मैं 48 किलोहर्ट्ज़ पे, इसका भी रूल्स हैं एक क्या काम में आता है। और इसका बीट रेजुलेशन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ आइए प्रोजेक्ट सेटअप में, और यहाँ प्रोजेक्ट सेटअप में आने के बाद, यहाँ प्रोजेक्ट में आने के बाद प्रोजेक्ट सेटअप इस पे दबाना है, और इसमें आपका बीट रेजुलेशन अपना देख लेना। तो स्टैंडर्ड बीट आता है यही 24 और 32 भी है, 16 है, लेकिन स्टैंडर्ड बीट यही आता है। और यहाँ आप के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो वही 48 किलोहर्ट्ज़ पे करता हूँ। तो चलिए एक्सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, और इसकी क्वालिटी आपको ऑडियो के थ्रू मैं सुना देता हूँ। तो यहाँ हाई टिक मार्क लोग करते हैं, मैं ये सब नहीं यूज करता हूँ क्योंकि मैं पहले ही सेट कर रखा हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं। तो चलिए एक्सपोर्ट करते हैं।